आश्चर्यजनक, रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से, ब्रह्मांड के रहस्य और उससे जुड़ी बहुत सी अनसुलझी कहानियाँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य YouTube चैनल में। आखिर क्यों है तिरुपति बालाजी की मूर्ति में इतनी शक्ति? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति में इतनी शक्ति क्यों है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप अद्भुत रहस्य चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है और आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट आपके पास मिल जाएगा, जिससे कि आप अद्भुत रहस्य के अद्भुत वीडियोस हमेशा देख पाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति में इतनी शक्ति क्यों है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर में आता है। ये मंदिर तिरुपति में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। ये मंदिर तिरुमाला पर्वत पर बना हुआ है और हिंदुओं के सबसे पवित्र माने जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इसे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बालाजी को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। वेंकटेश्वर और श्रीनिवास भगवान विष्णु के ही नाम है। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त भगवान बालाजी के दर्शनों की अभिलाषा लेकर पहुँचते हैं और अपने इष्ट देव के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। बालाजी के दर्शन के अनुभव को शब्दों के द्वारा बताना आसान नहीं है। बालाजी की सुंदरता को बयान करना भी बेहद मुश्किल है। दोस्तों, गर्भगृह में स्थित बालाजी की मूर्ति में एक हाथ जहां आशीर्वाद की मुद्रा में है, वहीं दूसरा हाथ ऐसी मुद्रा में है कि लगता है भगवान अपने भक्तों से कुछ मांग रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त का कर्तव्य है कि बालाजी को विशेष चढ़ावा चढ़ाए या बालाजी के नाम पर कुछ खास काम करे। और ये भी कहा जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार बालाजी हैं, जो सबके दुखों का नाश करेंगे। पद्मावती से शादी होने के बाद अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के गुस्से का सामना न कर पाने के कारण उन्होंने अपने आप को पत्थर में बदल लिया था और यही कारण है कि ये मूर्ति बेहद तेजस्वी है। भगवान श्रीनिवास बालाजी सारे देवी देवताओं में सबसे अमीर भगवान है। यहाँ उनके भक्त अपनी मर्जी से पैसे और आभूषण दान करते हैं। इसी से जुड़ी एक कथा है कि पद्मावती से विवाह करने के लिए उन्होंने कुबेर से धन लिया था और इस धन को चुकाने के लिए आज भी लोग आभूषण और पैसों का दान करते हैं। भगवान बालाजी को इसीलिए इतना धन चढ़ाया जाता है, क्योंकि अंत में मनुष्य को अपनी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर अपने आप को परमात्मा को सौंप देना चाहिए। और दोस्तों, ये है कहानी तिरुपति बालाजी की मूर्ति में इतनी शक्ति क्यों है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए अद्भुत रहस्य चैनल।